Hey everyone, welcome to Vice Talk Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर. सो ट्रेडर्स, कल एक नया मंथ शुरू है, एक नई वीक शुरू है. सो कैसे प्लान करना है उसके बारे में समझते हैं. सो आपके सामने डेली चार्ट है और डेली चार्ट पर आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है. ओके, सो अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, मैं बार बार आप लोगों को एक चीज़ बता रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हेड एंड शोल्डर बनाया है. तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि हेड एंड शोल्डर बन गया है, फटाफट शॉर्ट कर दो. नेक लाइन के पास से ही बार बार ये जो 19250 का जोन था, इसी के से मार्केट घूमी है. ठीक है, एंड बेसिकली जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया था उन सबको ट्रैप कर दिया, तभी एक बड़ी कैंडल बनी है. मैंने बार बार आपको समझाया है कि जब भी बड़ी कैंडल्स बनती हैं तो उसका मतलब ट्रैपिंग हो रही है. ओके, सो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दो एंड उसको ट्रेड करो. अगर ट्रेड नहीं ले पाते हो तो क्वांटिटी को रिड्यूस करो. ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिए. मैं बार बार हर वीडियो में चीज़ बोलता हूँ कि क्वांटिटी को रिड्यूस करिए. अब एक बार ना हम एक काम करते हैं, हम लोग एक वीकली चार्ट भी देख लेते हैं. सो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ऑलमोस्ट 5 हफ्ते से मार्केट क्या कर रही है, रेड कैंडल्स बना रही है. अब एक क्या बनाया, ग्रीन कैंडल बनाई है. ठीक है, सो ये तो क्लियर है. अब ये क्या बना था, एक इन्वर्टेड हैमर बना था. इसके नीचे अगर मार्केट कंटिन्यूशन देती तो एक अच्छा खासा फॉल आता, बट यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने एक रिवर्सल दे दिया. ठीक है, शॉर्टेड है. अब आते हैं हम मुद्दे की चीज़ पे, 15 मिनट के चार्ट पे. सो 15, पहले मैं एक बार आपको 5 मिनट का चार्ट बता देता हूँ. बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि ऐसे दिनों को प्ले कैसे करना होता है. सो अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे, प्रीवियस डे को अगर हम लोग देखें, मॉर्निंग से ही मैंने आपको ये इज़न के ट्रेड पे भी बताया था कि मॉर्निंग के रिजेक्शन से ही ट्रेड लेना होता है. तो मॉर्निंग के रिजेक्शन पे ही ट्रेड आया था यहाँ पर. यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया है, लोअर हाई पैटर्न बनाया है यहाँ पर. ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ने बिल्कुल अपने लो पे, मतलब बेसिकली इधर कहीं मार्केट ने क्लोज दिया. ओके, अब अगले दिन मार्केट क्या कर रही है, ओपन कर रही है. मैंने हमेशा एक चीज़ बोली कि पहले पे कभी बाय मत करो, पहले थोड़ा सा वेट कर लो. वापस आई, अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, क्या बनाया यहाँ पर मार्केट ने, हायर लो. ओके, क्या आपको यहाँ पर बाय करना है, जिनके पास थोड़ा पैसा है एक्स्ट्रा, जो लॉस ले सकते हैं, मान लो अगर रिवर्सल करती है तो वो लोग बाय कर सकते हैं. जो लोग थोड़ा रिस्क अवर्स हैं, बेसिकली कैपिटल कम है, फूक फूक के पैर चलाने हैं, उन लोगों को क्या करना है, ये आया पुल बैक. ठीक है, ये क्या बन गया यहाँ पर, ये बन गया आपका हायर लो. ठीक है, ये भी हायर लो बन गया. इसके टॉप के ऊपर बाय प्लान करिए, इसके ऊपर ऐड करिए. ठीक है, मैंने आपको अपने एजुकेशन वीडियोस में भी बताया और उसमें बताया है, बस आप हायर लो और लोअर हाई पैटर्न को अगर समझ लो तो आपको कोई इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है. और इसके साथ आप प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे हाई, सॉरी प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, ये तीन चीज़ों को कंबाइन कर लो और इन्हीं एरियाज़ के पास अपने ट्रेड्स बनाओ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. ठीक है, क्लियर है. अब बात करते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा. ओके, एक बार S&P 500 देख लेते हैं. आपका कुछ कुछ खास नहीं है. ठीक है, और आपका ये 1% के करीब है. ठीक है, तो अब एक चीज़ हम समझते हैं यहाँ पर क्या गेम प्लान है. देखो, पहली चीज़, अब अगर मैं आपको चीज़ बताऊँ, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, हाई. ठीक है, यहाँ पर लोअर हाई, यहाँ पर लोअर हाई, यहाँ पर मार्केट ने लो, लोअर लो. ठीक है, क्लियर है, एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बनाया. अब यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ें समझनी होंगी. अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होती है, इधर ओपन होती है या इधर ओपन होती है, ठीक है, तो आपको किस चीज़ की वेट करनी है. मार्केट एक मूव लेगी, एक ड्रॉप करेगी, क्या बनाएगी यहाँ पर, हायर लो. और जैसे ही यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग है, जो भी पैटर्न बनाती है, इस एरिया पे आप क्या करेंगे, आप बाय प्लान करेंगे. ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या करेगी, अगर मार्केट इस तरीके से चलती है तो मार्केट का डायरेक्शन अप है, बिकॉज ये है एरिया ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस. ठीक है, और अगर आप एक चीज़ और नोट करेंगे, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाऊं, 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे वो ये है कि ये जो एरिया है ये आपका 19450 के अराउंड, जिसके बारे में बार बार बात कर रहा था कि प्राइस को उसके ऊपर ट्रेड करना होगा, तब ही प्राइस एक अच्छा खासा अपर मोमेंटम देगी और इस एरिया को क्या करेगी, ब्रेक करेगी या फिर इस एरिया को चेक करेगी. ठीक है, क्लियर है. तो इसके बाद आपके पास 100 पॉइंट्स का एटलीस्ट एरिया है, ये आपने ध्यान रखना है. अगर गैप अप हो गया, कुछ हो गया, तब तो फिर हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा प्राइस को सस्टेन होने के लिए, प्राइस को बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न बनाने के लिए, हायर लो का या फिर लोअर हाई का बनाती है या एम पैटर्न बनाती है, क्या बनाती है, उस हिसाब से हम लोग इसका सेल या बाय ये सब हम प्लान करेंगे. ठीक है, बट मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अगर प्राइस इसके आसपास खुलती है तो मुझे 450 के जोन की वेट करनी है और इसके पास ही मैंने ट्रेड करना है. ठीक है, क्लियर है. ओके, अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ.
मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक डिस्कॉर्ड सर्वर ओपन करूँ, ठीक है, जिसमें डाउट सेशंस, मतलब बेसिकली लोगों के डाउट्स होते हैं, लोग जो मेरा यूट्यूब का कोर्स है वो करते हैं, लोगों के और भी अपने डाउट्स होते हैं, साइकोलॉजी के इश्यूज होते हैं, उन लोगों को एक कम्युनिकेशन रखनी, कम्युनिटी बनानी है जहाँ पर वो अपने डिस्कशंस कर सकें। टिप नहीं, कहीं से भी टिप नहीं होगी इसमें, ठीक है, बस आपकी एजुकेशन होगी कैसे आपको प्रोग्रेस करना है। आप बहुत लोग मेरे को ईमेल नहीं कर पाते हैं, बहुत लोगों को कम्युनिटी चाहिए होती है, ये बेसिकली सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, ठीक है, इसमें कहीं भी मैं आपसे चार्जेस नहीं लेने वाला हूँ, बट मुझे इंटरेस्ट जानना है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में। तो मैं इस वजह से एक टेलीग्राम पे एक वोट डालूंगा, अगर मुझे लगेगा अच्छे खासे लोग इंटरेस्टेड हैं, 50-60 लोग नहीं यार, एटलीस्ट एक मुझे अच्छा नंबर चाहिए, अगर लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं इस चीज़ को शुरू करूंगा, जिससे आप लोग थोड़ा सा इन सब चीज़ों में बेटर कर सकें, ठीक है। एग्जीक्यूशन हो गया, कुछ हो गया, छोटे छोटे मैंने ट्रेड्स लिए उसके, मैंने उस पर लाइव वो डाल दिया कि आप लोग समझ सकें, देख सकें उस चीज़ को कि कैसे मैं चीज़ें इंप्रूव कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस के लगाने के तरीके, दिस इन दैट, तो सारी की सारी चीज़ें आप लोग वहां समझ सकते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, मैं इस वीडियो के बाद एक टेलीग्राम पे वोट डालूंगा, तो आप प्लीज़ वहां पर जाके चेक करिएगा और उस पर वोट ज़रूर करिएगा, ठीक है, कि आपको क्या पसंद है, नहीं चाहिए, हाँ चाहिए, जो भी आपका है वो आप करिएगा। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो ये प्लान हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया प्लान। अब अगर इसके नीचे हम ट्रेड करते हैं, बेसिकली 19400 के नीचे अगर हम ट्रेड करते हैं और बेसिकली अगर हम लोग एक लोअर हाई पैटर्न बना लेते हैं, तो फिर क्या होगा, चांसेस है कि ये जो एरिया था ना, ये सारा का सारा एक फेक रैली थी, ठीक है, पंप किया आपको, अब टॉप के लेवल से जो लोग यहाँ पर आए थे दोबारा से इनको एरिया मिल गया, दोबारा से मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। अगर ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा मार्केट को दोनों साइड से ओपन रखिए, कभी भी बायस मत बनाइए, डेटा वेटा 100 चीज़ें आपको बताएगा, बट प्राइस ने अपने हिसाब से चलना है, ठीक है, डेटा वेटा आपको एडवांस में कुछ नहीं बता सकता, वो प्राइस के हिसाब से घूमता है, ठीक है, जैसी प्राइस घूमेगी डेटा भी घूमेगा, तो इसलिए पहले से अपने बायस मत बनाइए, दोनों तरफ मार्केट को ओपन रखिए, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो ये एक प्लान हो गया आपका, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए, देखिए सबसे पहली चीज़, ये एरिया को मार्क करके रखिए, इस एरिया पर क्या बन रहा है, एक फ्लैग बन रहा है, मैंने 5 मिनट पर आपको दिखाया था, और हम लोगों को क्या चाहिए कि प्राइस क्या करे, एक बुलिश पैटर्न बनाए, पुल बैक दे और फिर ऊपर निकले, कुछ ऐसा करती है। और ये जो एरिया है ये कहाँ पर आता है, ये आता है आपका 19450, इसके ऊपर ट्रेड करता है, तो आप क्या करेंगे, आपने बाय प्लान करना है, सिंपल, ठीक है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी इस चीज़ में, ओके, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अगर प्राइस टूटती है, ऐसे कुछ करती है, तो आप क्या करेंगे, सेल प्लान करेंगे, सीधा सा साफ है, आपके पहला टारगेट होगा 19350 के पास, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं फेस किया है मार्केट ने, ना ही यहाँ पर कोई एरिया बनाया है, तो ये जोन जितनी जल्दी ऊपर गया उतनी जल्दी नीचे भी आएगा अगर 400 टूटता है, क्योंकि 400 एक बिग राउंड नंबर है, तो आपने ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये आपका ट्रेड प्लान रहेगा, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, कुछ करती है, तो आपने प्राइस एक्शन की वेट करनी है, आप पहली कैंडल पे इन सब पे ट्रेड मत लीजिएगा, आधे से लोग यही गलती करते हैं, वो कहीं पर भी ब्रेकआउट ट्रेड करने लग जाते हैं, वो चीज़ मत करिए, ठीक है। जितनी भी कैंडल्स होती हैं, हैमर हो गया, बुलिश एंगल्फिंग हो गया, उनकी अहमियत होती है वैल्यू एरियाज के पास, ठीक है, जहां पर वैल्यू एरियाज बन रहे होते हैं वहीं पर, और कहीं नहीं, ओके। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे, सो बैंक निफ्टी में क्या है, समझते हैं इस चीज़ को। अब बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न है जैसा आपका निफ्टी के अंदर है, अगर आप मैं इसका डेली चार्ट दिखाऊं, यहाँ पर भी एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और अगर आप एक चीज़ और नोट करेंगे, यहाँ पर जो पैटर्न था ये ज़्यादा प्रोमिनेंट था, ठीक है, और ये एरिया जो था समवॉट, ये इसके एक नेकलाइन का काम कर रहा था। यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस ने इसको टेस्ट किया है और इसके नीचे रिजेक्शन दे दिया है, ठीक है, मतलब इसके नीचे प्राइस नहीं जा रही है। अब अगर इसके ऊपर एक फॉलो थ्रू हो जाता तो उसका मतलब क्या है कि ये जितने प्लेयर्स हैं ना यहाँ पर जिन्होंने सेल मारा था हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख के, वो लोग ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स आएंगी, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के जो पैटर्न्स होते हैं इस पर बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेड्स बनाते हैं और वो ट्रैप होते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा, ओके। अब एक बार इस दिन का मैं 50% यहाँ पर मैं यहाँ से ले लेते हैं, पूरा डाउन पर मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एरियाज़ कौन कौन से हैं जिसपे हम लोग प्लान कर सकते हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ मैं काम करता हूँ, एक बार 5 मिनट का आपको चार्ट दिखा देता हूँ, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं कि हम लोग कैसे सोचने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़, मैंने ये टॉप ले लिया है, मैंने ये वाला बॉटम ले लिया है, ठीक है। सो ये जो एरिया है इस पर मैं क्या करूँगा, अगर प्राइस, क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्केट ने एक पुल बैक दिया था, वापस अगर प्राइस यहाँ पर आती है और सम सॉर्ट ऑफ ड्रॉप के बाद क्या बनाती है, हायर लो के पैटर्न्स बनाती है, तो मैं यहाँ पर बाय का प्लान करूँगा, क्योंकि 50% है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ उस चीज़ में। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मार्केट ने हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, यहाँ पर लोअर लो बनाया,
तो एक और प्लान यहां पर क्या हो सकता है, अगर प्राइस इसके पास कहीं ओपन होती है तो मुझे क्या चाहिए होगा, प्राइस पहले ऊपर जाए इस टाइप से, ठीक है ना, सीधा सा साफ है। जैसे यहां पर हुआ, आप देख सकते हैं यहां पर प्राइस ने क्या किया, प्राइस नीचे गई, यहां पर प्राइस ने क्या किया, हायर लो का पैटर्न बनाया, लो हायर लो ऊपर गई, ठीक है, इसको तोड़ा, यहां पर आप बाय बना सकते थे। बट अगर आप रिस्क अवर्स हैं, बहुत ज्यादा सोच समझ के ट्रेड लेना चाहते हैं, तो जैसे ही ये प्राइस निकलती है इसके ऊपर आपका ट्रेड बनता है। हमेशा हायर लो के पैटर्न देखो, ये बोलने करने में आसान होता है, बट अगर आप सही में प्रैक्टिस करोगे एक एक शेयर के साथ, इस चीज़ को अगर आप मास्टर कर लो, आपको ये सिंपल चीज़ है जो आपको मार्केट में पैसा कमा के देती है, बस इसको हम ध्यान नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस चीज़ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो ये आपका प्लान बनेगा, सारा का सारा कल का जो प्लान है वो आपका इस रेंज के अंदर बनने वाला है, ठीक है। अगर प्राइस इस रेंज के नीचे ऐसे करके निकलती है, जैसे ये जोन गया, ये आपका ध्यान रखना है, ये लास्ट पुल बैक था, ये बेसिकली एक पिवट है, ठीक है, तो ये जो एरिया है ये आपका है 44,400 के अराउंड, ठीक है। जैसे ही ये जोन निकलेगा, टूटेगा नीचे की तरफ और लोअर हाई पैटर्न बना, ठीक है, लोअर हाई पैटर्न बना, हाई लोअर हाई पैटर्न बना, आपने शॉर्ट प्लान करना है, ठीक है, सीधा सा साफ है। ये क्या बना यहाँ पर, अगर आप देखोगे यहाँ पर प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, लोअर हाई पैटर्न बना, आपका शॉर्ट प्लान हो गया। ऐसी इस टाइप से आपने शॉर्ट प्लान करना है यहाँ पर, क्लियर है, अगर 400 का जोन मार्केट तोड़ती है, ये है आपका जोन। और अगर प्राइस इस जोन के ऊपर ट्रेड करती है, बेसिकली 44,500 के ऊपर, तो आप बाय प्लान करेंगे, पहला टारगेट आपका है 44,600 के पास आएगा, उसके बाद आपका टारगेट 44,750 के पास आएगा, तो ये आपका प्लान रहने वाला है, ओके। जो लोग कम कैपिटल पे ट्रेड करते हैं, आप लोग निफ्टी में ट्रेड करिए, बैंक निफ्टी में आपके स्टॉप लॉसेस बड़े होते हैं, निफ्टी में आपको 10-15 रुपए के स्टॉप लॉसेस मिल जाते हैं ऑप्शंस के अंदर, निफ्टी में वही स्टॉप लॉस आपको 40-50 पॉइंट का मिलता है, तो इस वजह से आप उसको प्रेफर करिए। ऑलराइट, वीडियो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, एंड मेक श्योर जो मैं टेलीग्राम चैनल की बात कर रहा हूँ उस पर आप जरूर आके देखिए, अगर लोग इंटरेस्ट लेंगे तो मैं इस चीज़ को करना चाहूँगा। मैं बेसिकली जैसे एक महीने के अंदर या 20-25 दिन के अंदर मैं वो चीज़ स्टार्ट करूँगा, उससे पहले जो भी डिस्कॉर्ड सर्वर पे मेरे को सारा सेटअप करना है, मैं वो सारी चीज़ें करूँगा, बट उससे पहले मैं आपका इंटरेस्ट जानना चाहता हूँ, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।